मैं भारत का रेलवे स्टेशन, गरीब, मिडिल क्लास, साधारण लोग मेरे मेहमान होते हैं। मैं सबके लिए सोचता हूं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी। अब गरीब लोग धक्के नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़े ही एसी की हवा खाएगा, वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी कष्ट से चढ़ाएगा। साधारण आदमी कहां एयरपोर्ट से सुविधा पाएगा? भले मैं देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन हूं, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा तो वो भी केवल मुंबई दिल्ली में होगा, कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा? भारत के रेलवे स्टेशनों की ये कड़वी हकीकत होती थी, पर इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बटाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा, भारत के रेलवे स्टेशनों की कायापलट का। देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को, देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति, जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में नए भारत के सपने को नाम दिया है अमृत भारत स्टेशन, भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा तो फंड भी बड़ा। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज है 2,40,000 करोड़ का, जिसमें से 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दिए जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड़। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। पता है, अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते, यहाँ इमोशन भी है, यादें भी, ठिठोलियां भी और राहत भी। सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन। इतनी महान संस्कृति एवं वास्तुकला को अब प्रदर्शित करेंगे हमारे नए अमृत रेलवे स्टेशन, ताकि यहाँ खींचे जाने वाली हर सेल्फी के साथ भारत और जुड़े, और जिए, और खिले। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और शानदार भी। यहाँ एयरपोर्ट्स की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी, प्रवेश निकास के अलग अलग द्वार होंगे, यहाँ सुंदर एग्जीक्यूटिव लॉन्च, यात्री प्रतीक्षालय होंगे, यहाँ CCTV से निगरानी होगी, फ्री वाईफाई होगा, और सोचिए लिफ्ट और एस्केलेटर से कितने बुजुर्गों, दिव्यांगों की यात्रा सुखद होंगी। अब दिव्यांगों की सुविधा के लिए हमारे स्टेशनों पर ब्रेल लिपि वाले साइनेज भी होंगे। पर्यावरण को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारे अमृत स्टेशंस। ये सभी इमारतें बनेंगी ग्रीन बिल्डिंग मापदंडों के अनुसार और समुचित प्रकाश व्यवस्था से युक्त होंगे स्टेशंस, और सभी स्टेशनों में दोनों ओर सुनिश्चित की जाएगी कनेक्टिविटी। ये नए विकसित स्टेशन सिर्फ स्टेशनों को ही नहीं, पूरे शहर को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन
यहाँ एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। यात्रियों की सुविधा और बेहतर मार्गदर्शन के लिए एक समान साइनेज लगाए जाएंगे। अमृत स्टेशन आइकॉनिक स्ट्रक्चर के साथ सिटी सेंटर भी बनेंगे। यहाँ होंगे भव्य रूफ प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, फूड कोर्ट्स। अमृत स्टेशन के जरिए ये सारी खुशियाएं और सुविधाएं छोटे शहरों के लोगों का भी अधिकार होंगी। प्रधानमंत्री जी के परिश्रम पर देश के विश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। आज का भारत जो ठानता है वो कर दिखाता है, उस आत्मविश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। जय हिंद।